हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एनवेलप के ऊपर कैसे प्रिंट कर सकते हैं एमएस वर्ड के थ्रू बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। अगर सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, एनवेलप पे प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपने अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने जस्ट एक छोटी सी सेटिंग करनी है पेज की, क्योंकि आपने एनवेलप पे प्रिंट करना है तो सबसे पहले आपने पेज सेटअप कर लेना है। अब आपने जाना है पेज लेआउट के ऑप्शन में। पेज लेआउट के ऑप्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पे पेपर साइज सेलेक्ट कर लेना है। पेपर साइज सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है मोर पेपर साइजेस। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये वाला टैब आपका पेज सेटअप का टैब ओपन हो जाएगा। इसमें तीन ऑप्शन होंगे आपके, मार्जिन, पेपर एंड लेआउट। तो इसमें से आपने पेपर का जो टैब है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपने पेपर साइज सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि आप जानते हैं आपने एनवेलप के ऊपर प्रिंट करना है दोस्तों, तो इसके लिए आपने यहाँ से पेपर साइज सेलेक्ट करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे एनवेलप नंबर 10 एंड कॉम 10, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये आप ध्यान रखिए कि ये वाला जो आपका पेपर साइज है ये आपने सिलेक्ट करना है एनवेलप के लिए। तो इसकी विड्थ एंड हाइट आपकी खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगी। इसके बाद आपने दोस्तों यहाँ पे इसको कर देना है ओके। तो आप देखिए यहाँ पे जो पेपर का साइज है ये आपका एनवेलप में आ गया है। लेकिन क्या है, ये अभी पोर्ट्रेट में है, लेकिन अभी हमें एनवेलप चाहिए लैंडस्केप में। तो इसके लिए बहुत ईजी है, आपने अगेन पेज लेआउट के टैब में जाना है और यहाँ पे ओरिएंटेशन के टैब में जाके इसको कर देना है लैंडस्केप। तो ये देखिए, ये आपके एनवेलप की शेप में आ गया, मतलब ये लैंडस्केप की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे आपने अपना मैटर टाइप करना है जो भी आपने एनवेलप के ऊपर प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये मैटर कुछ टाइप कर चुका हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एनवेलप में यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले लिख दी यहाँ पे हेडिंग स्पीड पोस्ट, क्योंकि जो भी आपने लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने एप्लीकेशन का जो टाइटल देना है यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे और हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। साथ में टू करके यहाँ पे हमने पैन का यहाँ पे जो भी एड्रेस है आपने जिसको भी भेजना है वहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड आपने फ्रॉम में यहाँ पे आपने एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है। ओके, तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपने एनवेलप में की सेटिंग कैसे करनी है और उसको टाइप कैसे करना है। अब समझते हैं इसका प्रिंट कैसे निकालना है, जो कि आपका है मेन टॉपिक। ओके, तो इसके लिए टाइप करने के बाद अब आपने करना है कंट्रोल पी अपने कीबोर्ड से। ओके, कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पे आपका प्रिंट सेटअप आ जाएगा। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कैनन 3010। ओके, तो कैनन में 3010 यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप जो आपका प्रिंटर हो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आता है पेपर रेंज। तो पेपर रेंज में आपने सेलेक्ट कर लेना है पेज वन। तो हम यहाँ पे पेज वन कर लेते हैं, क्योंकि हमने पेज वन ही यहाँ पे प्रिंट करना है। अब मेन चीज़ आती है आपकी, आपने यहाँ पे जाना है इसकी प्रॉपर्टीज में, जो भी आपका प्रिंटर होगा। तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब यहाँ पे जो पेज साइज है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है जो पेज साइज आपने अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किया था, जो कि एनवेलप 10 और ब्रैकेट में लिखा है COM 10। ओके, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने पेज साइज सेलेक्ट करना है ये वाला। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपने ओरिएंटेशन आपने लैंडस्केप रखनी है। अगर ये पोर्ट्रेट पे होगा तो आपने इसको लैंडस्केप पे कर देना है। ओके, तो ये आपकी ओरिएंटेशन है, इसको आपने लैंडस्केप रखना है। दैट्स इट दोस्तों, आपने उसके बाद प्रेस कर देना है ओके एंड पेज यहाँ पे वन आपने लिख के। और यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपने स्केलिंग आपने अगेन यहाँ पे वही पेपर साइज सेलेक्ट करना है जो आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किया था, जो कि है एनवेलप का। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, प्रॉपर्टीज में और स्केलिंग में एंड पेज वन, दैट्स इट। और उसके बाद प्रेस करना है आपने ओके। अब ओके प्रेस करने से पहले दोस्तों आपने कर लेनी है अपने प्रिंटर की सेटिंग और एनवेलप लगा लेना है अपने प्रिंटर में। तो देख सकते हैं जैसा कि ये हमारा एनवेलप है। ओके, अब ये हमने लगाना है प्रिंटर में प्रिंट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने जो पुराने पेजेस है प्रिंटर के वो आपने रिमूव कर देने हैं। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है यहाँ पे ये वाला। ओके, ये जो होता है पोर्शन, इसको आपने इसको कर देना है कम। ओके, जितना आपका एनवेलप का साइज है उतना आपने यहाँ पे एनवेलप का साइज
मेजर कर लेना। उसके बाद अब आपने एनवलप है जो आपका ओपनिंग वाला पोर्शन होता है एनवलप का, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये आपका ओपनिंग पोर्शन है, इसको आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखना है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं रखना है। तो इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में करके इसको अपने प्रिंटर में प्लेस कर देते हैं इस तरह से। ओके, ये हमने प्लेस कर दिया। और इसका जो आपका जो सेटअप है इसको थोड़ा और एडजस्टमेंट कर लीजिए जिससे ये एनवेलप आपका प्रॉपर फिट बैठ जाए। इसके बाद दोस्तों अब आपने प्रिंट की कमांड देनी है, मतलब आपने प्रेस करना है ओके, और फिर देखते हैं कि प्रिंट आपका एनवेलप पे कैसा आता है। तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आपका यहाँ पे ये एनवेलप आ चुका है। ओके, जैसे कि देख सकते हैं प्रॉपर पोजिशन पर आया है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि एनवलप कैसे प्रिंट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। अंटिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।